All right, ladies and gentlemen, welcome to the channel The Sorted TV and मैं हूँ बानी। 19 जनवरी 2024 जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था, एक नई वेब सीरीज आई है by the name called The Indian Police Force जो कि अवेलेबल है विद ऑलमोस्ट 7 एपिसोड्स और आधे आधे घंटे के हैं। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि इज इट वर्थ वॉचिंग, क्या आप लोग अपने 3 से 3.5 घंटे इसको दे सकते हैं। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो Amazon Prime India पे एक वेब सीरीज आई है बाय द नेम कॉल द इंडियन पुलिस फोर्स, जिसके आप कह सकते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स एक छोटे OTT प्लेटफॉर्म पे या आपके मोबाइल स्क्रीन्स पे दिखेंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स में छोटे नहीं कहूँगी, आजकल उसका बहुत लेवल हाई हो चुका है बिकॉज वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर ऑफ कॉन्टेंट ऑन द OTT प्लेटफॉर्म। तो Amazon India आपके लिए लेकर आया है एक नई वेब सीरीज दैट इज बाय द नेम द इंडियन पुलिस फोर्स, जिसके अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं तो 7 एपिसोड्स है विद ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स ऑफ रनिंग टाइम, तो ज़्यादा लंबे नहीं है। एंड जिस तरह की स्टोरी है, दैट इज़ द डायरेक्शन दैट इज़ गिवन बाय रोहित शेट्टी, जो कि फेमस है सिम्बा सिंघम जैसे पुलिस कॉप एनवायरनमेंट के लिए, वो लेकर आए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा एस कबीर इन इंडियन पुलिस फोर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आपको और भी बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे जैसे शिल्पा शेट्टी कुंद्रा एंड विवेक ओबेरॉय, जो कि आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन फोर्स। अगर रोहित शेट्टी की डायरेक्शन की बात करूँ तो आप लोगों ने उनको बड़े पर्दे पर देखा ही हुआ है कि उनकी वीडियोज में गाड़ियाँ सड़क पे कम हवा पे ज्यादा दिखती है। तो इस पूरी सीरीज में जो कि एक पुलिस और एक थीफ के बीच में है, चेज है, सब कुछ है, थ्रिलर है, सस्पेंस है और काफी अच्छी एक स्टोरी लाइन बिल्ड की गई है आप लोगों के लिए एक 7 एपिसोड के अंदर। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे रोहित शेट्टी ने अपना टैलेंट यूज करके एक बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे एक्शंस बहुत ब्यूटीफुली कंडक्ट किए हैं। अगर इसकी स्टोरी लाइन की बात करूं तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक दिल्ली शहर में स्पेशली विद जहाँ पे इंडिया गेट है एंड काफी लोग वहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसने पूरे शहर का पीस ऑफ माइंड हिला चुके होते हैं। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द शोल्डर ऑफ द इंडियन पुलिस की वो जो कि उसे ढूंढे जो इस ब्लास्ट के पीछे है। तो कहानी ना शुरू ही वहीं से होती है। तो फर्स्ट एपिसोड में आपको ये चीज दिखाई जाएगी एंड जिस तरीके से ग्रिपिंग है ना कहानी, आप लोग वेट करोगे कि इस एपिसोड के बाद मैं नेक्स्ट देखूं। स्टोरी सिर्फ दिल्ली तक नहीं सीमित है, इंडिया के और भी शहर है जैसे जयपुर गोवा, वहां तक भी सिद्धार्थ मल्होत्रा एज द कॉप कबीर गए हैं उस चोर के पीछे और पता लगाने की भाई व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट मूव। तो अगर हम इसकी वैसे स्टोरी बोलें तो इट इज अ सिंपल डेली तो अगर हम इसकी एक क्रिस्प बात बोलें तो इट इज अ सिंपल पुलिस एंड अ थीफ चेस। बट इस वेब सीरीज को क्या चीज खास बनाती है, वो पहली चीज है रोहित शेट्टी, जिनका डायरेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे है यहाँ पे दिखाया गया है पूरी थ्रू आउट द वेब सीरीज। दूसरे नंबर पे आती है बॉलीवुड एक्टर्स लाइक शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड विवेक ओबेरॉय। इन लोगों के किरदार स्पेशली आई वुड गिव अ शाउट आउट टू सिद्धार्थ मल्होत्रा आफ्टर शेरशाह। He is the uniform person मतलब uniform person कहने का मतलब ये है कि he is the person जिनको actually में Indian Force की uniform suit करती है। And trust me guys, he is looking damn handsome. He is one of my favorite. तीसरी बात करती हूँ तो जो इसकी support cast है that is श्वेता तिवारी, शरद केलकर and काफ़ी सारे लोग जिनकी performance were outstanding in the series. और अगर बात करें villain की तो villain का ना character इस तरीके से दिखाया गया है कि he is dangerous. प्लस उसका एक कवर दे दिया गया है विद द सिंपलिसिटी दैट ही होल्ड्स, तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि आपको उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा है बट देन यू आर अ लिटिल सिंपैथेटिक टू द विलन, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर। और अगर हम रोहित शेट्टी के एक्शन की बात करें तो जहां पे एक्शन है वहां पे सपोर्टिंग म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अगर मैं BGM की बात करूंगी दैट इज द बैकग्राउंड म्यूजिक इन द वेब सीरीज दैट इज यूज्ड इज मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत हाई था, ये नहीं बोलूंगी बहुत लो था, बट विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू द थ्रिलर सस्पेंस एंड एक्शन वो बिल्कुल एप्ट लगा मुझे। सॉरी टीवी की तरफ से मिलते हैं इसको 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। और अगर आप लोग फ्री हैं इस वीकेंड तो गाइज दिस इज द वेब सीरीज दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एंड एंड इन द वीकेंड इटसेल्फ। ज्यादा लंबी नहीं है, अगर टोटल ड्यूरेशन देखो तो 3 से 3.5 घंटे की है, ये इतना ही टाइम लगता है आपको मूवी थिएटर पर जाके मूवी देख के वापस आने का। तो यू कैन स्पेंड दिस टाइम इन दिस वीकेंड ओनली टू वॉच दिस वेब सीरीज दैट इज द इंडियन पुलिस फोर्स।
और अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देख ली है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस किस को पसंद आई है एंड आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में। हम लोग कमेंट सेक्शन में बात करेंगे इसको लेके। इसी तरह द सॉरी टीवी लेकर आएगा आपके लिए बहुत सारे रिव्यूज ऑन द वेब सीरीज दैट आर अवेलेबल ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड फॉलो जरूर कर लीजिए ऑन इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक बाय द नेम द सॉरी टीवी। दिस इज बानी साइनिंग ऑफ एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Adios and Jai Hind.